विषय विशेषज्ञ प्रवक्ताओं के माध्यमों से संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया। केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। पत्रकार तथ्य खोजने के लिए होते हैं, दोष खोजने के लिए नहीं। तापी जिला कलेक्टर श्रुति भार्गवी दवे। मीडिया तीसरी आंख के रूप में प्रशासन को देखता है, श्री दिनेश कपाड़िया, जिला विकास अधिकारी। अंधेरे के बादलों के बीच पत्रकार पारस मणि होने वाला है, श्री मनोज भाई मिस्त्री। कोविड के समय मीडिया और सरकारी तंत्र सामूहिक जिम्मेदारी निभाने और प्रचार प्रसार करने में सफल, फैजल बाकेली। 25 जनवरी 2023 PIB प्रेस सूचना ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय अहमदाबाद ने व्यारा तापी जिले में एक ग्रामीण मीडिया कार्यशाला संवाद का आयोजन किया, जिसमें विशेष विषय विशेषज्ञ अनुभवी वक्ताओं ने संवाद आयोजित कर मीडिया कर्मियों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर उपस्थित तापी जिला कलेक्टर सुश्री भार्गवी दवे ने कहा कि पत्रकारों ने जाने अनजाने में हम जैसे अनेकों को पैदा किया है। पत्रकार और मीडिया तथ्य खोजने के लिए, दोष खोजने के लिए नहीं। जैसे ही वे उंगलियां उठाते हैं, सिस्टम उन्हें रचनात्मक दृष्टिकोण से देखता रहता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले वसंत ऋतु की भांति हम सभी पुराने विचारों को त्याग कर विकसित जिला बनाने की यात्रा में सहभागी हो। इस अवसर पर संबोधित करते हुए तापी जिला के जिला विकास अधिकारी श्री दिनेश भाई कपाड़िया ने कहा कि मीडिया की भूमिका तीसरी आंख के रूप में रही है और तीसरी नजर प्रशासनिक व्यवस्था पर है। यह समाज के सभी हितधारकों का ख्याल रखता है। उन्होंने तालुका स्वागत, जिला स्वागत, सेवा सेतु जैसी सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी दी और कहा कि इस तरह की एक पहल प्रशासन गांव की और विकास योजनाओं को व्यवस्थित करना और उनके बारे में जागरूकता पैदा करना आसान बना दिया है। ग्राम सभाओं का आयोजन छोटी सभाओं की तरह किया जाता है। उन्होंने G20 में भारत की अध्यक्षता का भी गर्व से जिक्र किया और कार्यक्रमों की जानकारी दी। भारत सरकार माहिती प्रसारण मंत्रालय द्वारा जे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जे राज्य अलग अलग जिलाओं में जिला पत्रकारों वार्तालाप कार्यक्रम आयोजन कर कार्यक्रम आयोजन आज आप ग्यारह खंड आयोजन करूँ मुख्य हेतु प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जे माहिती प्रसारण मंत्रालय द्वारा पत्रकारों माटे जे एक विभाग छे जे पत्रकारों ने समाचारों की सेवा पूरी पाड़े छे, सरकारनी स्कीमो छे, सरकारना समाचारों छे, पत्रकारों की अलग अलग कल्याण योजनाओं छे, एना विषय की माहिती प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध छे। तो आ बदा थी पत्रकारों माहिती थाय एटला माटे जिलाना पत्रकारों साथे संपर्क स्थापित करवाना हेतु थी आ कार्यक्रम आयोजन करवायो हतो। आ कार्यक्रम में बीजो सौथी महत्वनो हेतु छे के जे जिला स्तरे ग्रामीण स्तरे जे सरकारनी योजनाओना लाभो जेने मळ्या छे एवा लाभार्थीओ પોતાનો અનુભવ પત્રકારો સમક્ષ વર્ણવે અને એના દ્વારા આ પ્રકારના લાભો વધુ લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચે એ માટેનો હેતુ છે। તમે સૌએ જોયું કે આજે ઘણી બધી બહેનોએ કેન્દ્ર સરકારની અનેક વિવિધ યોજનાઓના પોતાને મળેલા લાભોની વાત કરી, એમના લાભો વર્ણવ્યા। મનરેગા યોજના છે, આવાસ યોજના છે અને આયુષ્યમાન ભારત યોજના છે, આ વિષયના લાભોની અમને વાત કરી। એ બધાની માહિતી વધુ લોકો તમારા દ્વારા વધુ લોકો સુધી પહોંચશે અને એના લાભો વધુ લોકો સુધી પહોંચશે એ પણ આ કાર્યક્રમનો હેતુ છે। પત્રકાર મિત્રોએ જિલ્લાના દૂર દૂરના વિસ્તારોમાંથી આવીને આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો છે, એમનો ઉત્સાહ જોતા આ કાર્યક્રમનો હેતુ સફળ થયો છે અને તમને જે ફીડબેક ફોર્મ આપવામાં આવ્યું છે એના દ્વારા પણ તમે જે કાર્યક્રમ વિશે તમારું મંતવ્ય રજૂ કરી શકશો અને એના દ્વારા તમે તમારી વાત પણ PIB સુધી, બેસ ઇન્ફોર્મેશન બ્યુરો સુધી અને માહિતી પ્રસારણ મંત્રાલય સુધી પહોંચાડી શકો છો।